कैफी आजमी ने कभी लिखा था, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। और ऐसा लगता है कि खिड़कियां खुलने लगी हैं। आजमगढ़ के कुछ बच्चे अपनी हुनर और मेहनत से आजमगढ़ का नाम आतंक से हटाकर आईपीएल से जोड़ने में जूझ रहे हैं। आईपीएल में धूम मचाता ये है राजस्थान रॉयल्स का कामरान और ये नाइट राइडर्स का इकबाल अब्दुल्ला। इन दोनों खिलाड़ियों की जड़ें आजमगढ़ में है। तेज गेंदबाज कामरान के हुनर के गुण शेन वॉर्न जैसे दिग्गज भी मुरीद हो चुके हैं। Look, I had faith in Cameron Khan. You know, I said before the tournament, I got real faith in him. I think he's a real star for the future. कामरान जब कभी आजमगढ़ लौटता है तो शहर झूम पड़ता है। वहीं इकबाल अब्दुल्ला आजमगढ़ के नौजवानों का नया हीरो है। जाहिर है पिता का सिर ऊंचा हो गया है। इस माहौल में मुझको बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरा बच्चा जो है वो देशभक्ति या देश के नाम के लिए कोशिश कर रहा है खेल के मैदान ही से। सही, अब जरा सरफराज से मिलिए। एक चमत्कार, आजमगढ़ की खान से निकला कोहिनूर। पिछले साल सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने स्कूली क्रिकेट में 112 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मुंबई की हैरिस शील्ड ट्रॉफी में कभी सचिन तेंदुलकर ने 346 रन बनाकर धमाका किया था, वहीं सरफराज ने 429 रन बनाकर सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है कि भारत को एक और सचिन मिल चुका है, आजमगढ़ का सरफराज। आजमगढ़ का ये किस्सा अभी जारी है, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।